अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मॉडल जो वर्ब्स हैं उनके पैसिव पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझाना है और आपको पैसिव बनाना इनके आ जाएंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कुछ आपके लिए। कैन, कुड, मे, माइट, ought to, must, need to, shall and should, then will and would, ये सारे जितने भी हैं मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इनके पैसिव बनाने हैं। अब पैसिव बनाने के लिए लाजिम है कि हमारे पास एक्टिव सेंटेंस होना चाहिए, तो हम इस कैन से शुरू करते हैं। तो यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा है आपके लिए, आई, बहुत ही सिंपल सेंटेंस में लिखूंगा पहले आपके लिए, आई कैन डू इट, बहुत ही आसान है। अच्छा, पैसिव के बेसिक रूल्स आप जो है ना वो याद रख लें। सपोज करें हमने ये इसका जो है ना क्या था, ऑब्जेक्ट था, हम ऑब्जेक्ट यहां ले आए, सब दीजिएगा इट। अब कैन है ना मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ, आप क्या करेंगे, सिर्फ बी ऐड करेंगे एंड देन थर्ड फॉर्म जो वर्ब की जो वर्ब होगा उसको ऐड करेंगे। अब इट हमने यहां रखा, इट कैन, कैन आपने सेम वही लिखा, इसको चेंज मत करिएगा। काफी जो लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको नरेशन के कुछ सूर जो है वो याद होते हैं, तो क्या करते हैं कैन को कुड कर देते हैं। तो आपने कैन को कुड नहीं करना, इट कैन, और आपने एडिशन करना है इसके साथ बी का, इट कैन बी। और मैंने कहा कि आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है इस वर्ब डू की, दैट बिकम्स नाउ इट कैन बी डन। प्रेपोजिशन बाय एज यूजुअल जो कि आप पैसिव बनाते हुए यूज करते हैं, इट कैन बी डन बाय, आप प्रेपोजिशन ऐड करेंगे, और आई जो कि सब्जेक्टिव केस है, यहां पर जब इसको ऑब्जेक्ट जगह ले जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा, इट कैन बी डन बाय मी। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। फिर अगर हम कुड की बात यूज करें, तो अगर मैं कहूं कि शी कुड पे हर फी, अब वही सेम आपने जो है वो रूल फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट ये हर फी है तो क्या हो जाएगा, हर फी। अच्छा, ये कुड आप एज इट एज रखेंगे यहां पर, कुड बी जो आप ऐड करेंगे यहां पर, जिस तरह से हमने यहां किया कुड बी, और ये पे है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे आप, कुड बी पेड, और आपने बाय प्रीपोजिशन ऐड करनी है, और शी जो है जब ये उस तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे हो जाएगा हर। इस तरह से जितने भी हैं। अच्छा, हम अगर बात करें नीड टू की या मस्ट की, अगर मैं कहूं आई मस्ट राइट समथिंग, एक सिंपल सा सेंटेंस है आपके लिए। अब आई मस्ट राइट समथिंग, अब ये भी मॉडल ऑक्सिलरी है हमारे पास, मॉडल वर्ब है, हमने इसको यहां रखना है समथिंग, पैसिव का रूल समथिंग, और मस्ट आपने एज इट एज लगाना है, आई समथिंग मस्ट बी आपने ऐड करना है, समथिंग मस्ट बी, ये राइट इज थर्ड फॉर्म का लगाएंगे आप, समथिंग मस्ट बी रिटन बाय, ये आई है तो यहां आ जाएगा तो बाय मी। इस तरह से आपने इसके जो है ना वो बनाने हैं। पैसे बहुत आसान है, कोई सा भी जुमला होगा, सपोज करें अगर मैं कहूं आई विल ईट माई लंच, तो क्या हो जाएगा, माई लंच विल बी ईटन बाय मी, आई वुड ईट माई लंच वुड बी ईटन बाय मी, आई कैन डू इट कैन बी डन बाय मी, आई कुड डू इट कुड बी डन बाय मी, आई मस्ट डू इट मस्ट बी डन बाय मी, आई शैल डू इट शैल बी डन बाय मी, या फिर हम कहें आई नीड टू डू इट, it needs to be done by me, I have to do it, it has to be done by me। तो इस तरह से आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बी एड करना है, थर्ड फॉर्म उसकी लगा देंगे और उस मॉडल वर्ब का आप जो है ना पैसिव बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मुझसे हुआ था कि हम किस तरह से जो इन्फिनिटिव्स हैं उनका जो है वो हम बना सकते हैं। तो इन्फिनिटिव का पैसिव बहुत आसान है बनाना, मैं यहाँ इस वीडियो में आपके लिए जो है वो ऐड कर देता हूं कैसे बनाएंगे। अब इन्फिनिटिव क्या होती है फॉर्म, जैसे मैं अगर कहूं आई हैव टू वॉश माय क्लॉथ्स, ठीक, अब इसमें हमने जो टू वॉश है इसको, ये इन्फिनिटिव है, ठीक है, बेस फॉर्म के साथ टू आता है तो हम इसको इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं। मैंने आपके जो आपके लिए इससे पहले वीडियो एक वर्ब की ऐड की थी तो उसमें मैंने ऐड कर दिया था। अब बहुत ही आसान है ये हैव टू, इसको अगर आप ऐसा लें जो है आप मॉडल वर्ब, तो क्या हो जाएगा माय क्लॉथ्स, ये आपका ऑब्जेक्ट था माय क्लॉथ्स, अच्छा ये आपका प्लूरल आ गया तो क्या हो जाएगा
माय क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड बाय मी। तो आपने उसके साथ भी जो टू टू ईट होगा इसको पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बी ईटन। ठीक है, ये उसका पैसिव है जो है ना वो इन्फिनिटिव का। अच्छा टू राइट है उसका पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा उस पैसिव जुमले में, टू बी रिटन। तो इस तरह से आप जो है वो इनके जो है वो इन्फिनिटिव्स के पैसिव बना सकते हैं और ये मॉडल ऑक्सिलरीज के जो मॉडल वर्ब्स हैं उनका भी आप जो है ना वो पैसिव बना सकते हैं। ये एक आसान तरीका है, यही तरीका है पैसिव बनाने का, इसको फॉलो करके आप पैसिव बना सकते हैं। तो आज की मॉडल वर्ब्स के पैसिव की वीडियो इतनी ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको पैसिव बनाना इनके आ गए होंगे। और अगली वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके लिए आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। अगली वीडियो तक अल्लाह।